सांसद अनुराग ठाकुर ने देश में अपनी तरह की पहली योजना का आगाज करते हुए स्कूल के मेधावी बच्चों के लिए निशुल्क हवाई यात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के नाम से योजना की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को हवाई यात्रा से देश के दूसरे कोने की सैर करवाई जाएगी। दावा किया है कि ऐसी शुरुआत आज तक किसी सांसद ने नहीं की है। ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वह पूरी तरह वह अपनी तरफ से शुरू कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। पहली बार 12वीं कक्षा और 10वीं की परीक्षा देने में से 100 टॉपर्स को निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा 50 ऐसे टॉपर्स लिए जाएंगे जो गरीब रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंध रखते हों। इस तरह सांसद भारत दर्शन के तहत 250 उत्कृष्ट बच्चों को भारत के दूसरे इलाकों में भ्रमण पर लेकर जाएंगे। सांसद ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास रहेगा कि बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हों। पिछले साल ये कार्यक्रम सफल रहा तो अगले साल इस कार्यक्रम में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सांसद भारत दर्शन के नाम से कार्यक्रम शुरू करने वाला हूँ और उनको हवाई जहाज में देश के दूसरे कोने को ले जाऊंगा। और ये वो 100 बच्चे होंगे जिनके लिए ये शायद पहला अवसर होगा, चाहे वो गरीब से गरीब घर का होगा, लेकिन अगर उसने अच्छे नंबर लिए होंगे तो वहां तक पहुंचेगा। इसके अलावा 50 ऐसी सीट्स, 50 और छात्र चुने जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के और अनुसूचित जाति के परिवारों के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के परिवार के बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा अव्वल प्रदर्शन करने वाले 50 वो होंगे। तो 100+50 150 बच्चों को, 12वीं के 150 बच्चों को लेकर जाएंगे। और इसी तरह से ही 100 विद्यार्थी हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम एक मैं अपनी ओर से शुरू कर रहा हूं, इसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं। बहुत सारे उदाहरण इस देश में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको अभी हम यहां पर देख रहे थे, वो बहुत गरीबी से नीचे से आए, लेकिन पूरे देश का दौरा किया तो आज यहां पर पहुंचे हैं। मैं आज एक घोषणा करने वाला हूं जो आज तक 70 साल में किसी सांसद ने नहीं की। आज मैं ये तय करने वाला हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो 12वीं कक्षा के छात्र इस बार एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र के जो टॉप 100 छात्र ऐसे आएंगे जिनकी जो मेरिट में सबसे ऊपर 100 छात्र आएंगे, चाहे वो ऊना, बिलासपुर, देरा, हमीरपुर, कहीं के भी होंगे,